गुड इवनिंग एवरीवन, आवाज आ रही है। सो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जामपुर परिवार में। और आज हम लोग जो कल फॉरेस्ट का पार्ट जो देखे थे उससे आगे की ओर मूव करेंगे और चीजें जहां तक पहुंची थी जो आप लोग देख रहे थे लास्ट क्लास में। हम लोगों ने फॉरेस्ट में एवरग्रीन फॉरेस्ट का टॉपिक कंप्लीट कर लिया था। आज भी कमेंट का सेक्शन उपलब्ध नहीं रहेगा आप लोगों के साथ में। आप सब लोग कंटेंट पे पूरा का पूरा फोकस करके रखेंगे। कल भी बहुत ही शानदार कंटेंट हमने आपको प्रोवाइड किया था, आज उसके आगे हम लोग मूव करेंगे। सो आज की क्लास को भी लाइक और शेयर सभी लोग कर दीजिएगा और फिर हम लोग इसको आगे लेकर चलते हैं। कल हम लोगों ने जहां तक ध्यान में मुझे कि लंग्स ऑफ द वर्ल्ड पर एंड किया था कि सदाबहार वनों को ब्राजील में सेल्वास कहते हैं या विश्व का फेफड़ा है। एरिया भारत का हमने करवा दिया था, ध्यान में अगर आ रहा होगा तो सभी को, यही सब हुआ था बेसिकली जहां तक मुझे लग रहा है। एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा अपने अपने कॉपी में। ओके, आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे वो रहेगा डिसीडियस फॉरेस्ट से। अच्छा, कल हम लोग ने एक वालसा नामक वृक्ष की चर्चा किया था, जरा सा मुझे बताना वालसा की चर्चा किया था क्या, एक बार मुझे जरा बताइएगा सभी लोग। एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही, एवरग्रीन फॉरेस्ट में ही वालसा शब्द आपको एक आता है। जनरली हमने कल आपको बताया था कि जो वालसा है यहां पर एक सॉफ्टेस्ट वुड की प्रजाति है और जनरली सदाबहार वनों में कठोर लकड़ी के वृक्ष पाए जाते हैं। तो सभी तेजी से सही बच्चे एक बार इस इवेंट को लाइक और शेयर कर दिए, जुड़ जाइए अपने साथ में। और ये जो क्लास चल रही है आप लोगों के लिए शानदार कंटेंट वाली क्लास है। फॉरेस्ट का मैटर अभी मैं आपको 25, 26, 27 वाले सेशन में कंप्लीट करा के दे रहा हूं, ठीक है। आइए, तो वालसा जो है सॉफ्टेस्ट वुड होता है, ध्यान रखिएगा, पूरे विश्व के संदर्भ में मुलायम लकड़ी का ये वृक्ष होता है, सबसे मुलायम लकड़ी, सॉफ्टेस्ट वुड है ये। और ये मिलता है पेरू में एंडीज के पूर्वी तट पर, एंडीज के पूर्वी तट पर, ध्यान रखिएगा। रीजन वही है, अमेजन नदी घाटी का ही बेसिन है। रीजन कौन सा है, तो अमेजन नदी घाटी का ही बेसिन है, यह ध्यान में रखिएगा। क्लियर पॉइंट सभी को। सो आइए एक बार फिर से आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और ये जो सुबह की शुरुआत है, और गुड मॉर्निंग टू यू ऑल, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग दोनों ही समय में ये आपको मिलेगा। आइए, एवरग्रीन फॉरेस्ट केरू में एंडूस के पूर्वी तट पर ये वृक्ष आपको देखने को मिलता है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, सेकेंड नंबर पर आपके सामने जो वृक्ष आ रहा है ये है डिसीडियस फॉरेस्ट। डिसीडियस फॉरेस्ट पर्णपाती पतझर वन, पर्णपाती और पतझर वन हमने यहां पर दिखाया। इसी को हम लोग मानसूनल फॉरेस्ट भी कहते हैं, मानसूनी वन भी कहते हैं। मेन जो कंसेप्ट और जो कंटेंट मैं जो आपको दे रहा हूं इस पर फोकस रखिएगा। पूरे पैक पावर पैक क्लास चली है कल भी, और पावर पैक क्लास चलेगी आज भी और कल भी, ठीक है। पूरे 25, 26, 27 का जो ये जो 3 दिन जो आपको ये मेरे क्लासेस मिल रही हैं, तीनों ही दिन हम लोग बहुत ही पावर पैक क्लास को लेकर चल रहे हैं विदाउट कमेंट। सो डिसीडियस फॉरेस्ट पर्णपाती पतझर वन, मानसूनल फॉरेस्ट मानसूनी वन, और यही है आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी होता है, यही आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी है, उष्णकटिबंधीय वन भी है, उष्णकटिबंधीय वन भी यही। अब उष्णकटिबंधीय वन क्यों, क्योंकि इनकी जो उपस्थिति होती है ये कर्क और मकर रेखा के मध्य में पाए जाते हैं।
कल जो हम लोगों ने चर्चा किया था एक स्पेशल केस में, ट्रॉपिकल में ही ट्रॉपिकल रैन फॉरेस्ट की चर्चा किया था, तो वो हमने 10 से 10 डिग्री की चर्चा किया था। बाकी ये पूरा का पूरा क्या होता है, तो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं। इन पूरे भागों में क्या मिलेगा आपको, उष्णकटिबंधीय वन मिल जाते हैं। और चूंकि उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी इनकी उपस्थिति है जो कि मानसून से प्रभावित होता है, तो ये मानसूनी वन भी हम लोग इसको लेकर आते हैं। यही एक पॉइंट मैं आपको नोट करवाना चाहूंगा, वो ये कि उष्णकटिबंधीय वनों को उष्णकटिबंधीय वनों को ब्राजील में कटिंगा कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। सो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर कॉल्ड कटिंगा इन ब्राजील, ये भी क्वेश्चन आपको बनते हैं। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर कॉल्ड कटिंगा इन ब्राजील, ये भी आपको एक क्वेश्चन यहां पर बनता है। ठीक है, क्लियर पॉइंट यहां पर। आइए अभी जो अब जैसे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं उष्णकटिबंधीय वन जो होते हैं, तो हम लोगों ने देखा था कि ये ब्रॉड लीफ्स होते हैं, इसके जो पॉइंट जो होंगे ब्रॉड लीफ्स होते हैं। ठीक, मतलब चौड़ी पत्तियां होती हैं। तो चौड़ी पत्तियां की विशेषता, सघन वन की बात करें तो बहुत ज्यादा इतना डेंस फॉरेस्ट यहां पर होता नहीं क्योंकि बारिश की मात्रा कम हो चुकी, मगर इन भागों में भी मिश्रित प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं, ये चर्चा हुई थी। मिश्रित प्रजाति के वृक्ष पाए जाते हैं, और ये भी कैसी लकड़ियां होंगी, तो कठोर लकड़ी होती है। ठीक है, ये सब इसके पॉइंट्स भी ध्यान रखिएगा, ये कठोर लकड़ी के वृक्ष है, मिश्रित प्रजाति के वृक्ष है, चौड़ी पत्तियां पाई जाती हैं। क्लियर हो गया पॉइंट यहां पर। ट्रॉपिकल, अब ट्रॉपिकल में रैन फॉरेस्ट अगर हो जाएगा तो बहुत ज्यादा डेंसिटी वहां पर वनों की हो जाएगी, सघन वन हो जाएगा, ऊंचाई बहुत ज्यादा अधिक हो जाएगी क्योंकि वर्षा की मात्रा अधिक है, वहां पर जैव विविधता अधिक पाई जाएगी, और वो सब चीजें यहां पर कम हो गई। स्पेशल फीचर है सदाबहार वन का, जिसको कि अमेजन नदी घाटी ब्राजील में सेल्वास कहते हैं, वही रीजन विश्व का फेफड़ा जो कि मैक्सिमम ऑक्सीजन का उत्सर्जन करता है। ठीक, अब एक पॉइंट देखिए, जैसे जैसे अगर हम लोग इंडियन की बात अगर करते हैं, तो जैसे जैसे आप कोस्टल एरिया से आंतरिक भाग की ओर जाएंगे, तो क्या होती है, नमी की मात्रा कम, वर्षा की मात्रा कम, हाँ वर्षा की मात्रा भी कम, नमी की मात्रा भी कम। अगर आप कोस्टल एरिया तटीय क्षेत्रों से आंतरिक भाग की ओर जाते हैं, तो और ऐसी स्थिति में आप देखेंगे कि तटीय क्षेत्रों से, लिख के रखिएगा, आंतरिक भाग की ओर जाने पर वृक्षों की ऊंचाई कम होते जाती है। ये एक स्पेशल पॉइंट मैंने आपको बताया है, जैसे जैसे आप बंगाल से बिहार, बिहार से पूर्वी यूपी, पूर्वी यूपी से पश्चिमी यूपी, दिल्ली की ओर आएंगे, तो जो वृक्ष की ऊंचाई अपने बिहार में देखने को मिलती है, उतने वृक्ष की ऊंचाई जहां मैं रहता हूं गाजियाबाद में, यहां पर देखने को नहीं मिलती, दिल्ली में देखने को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वर्षा की मात्रा कम है, नमी की मात्रा कम है। दैट मीन्स कि वृक्षों की ऊंचाई किस पर डिपेंड्स करती है, नमी और वर्षा की मात्रा पर डिपेंड्स करती है। सदाबहार वनों में हमने देखा था
कि वृक्ष अधिक ऊंचाई के थे, क्यों थे? क्योंकि वर्षा सालों भर उपलब्ध, और यहां पर वर्षा सालों भर उपलब्ध तो है नहीं, तो यहां क्या स्थिति है, चार माह वर्षा होती है इन सब भागों में, चार माह वर्षा होती मानसून के समय, और वो भी कैसी, तो मानसूनी वर्षा। तो ये जो चार माह जो वर्षा होगी, बाकी टाइम तो बारिश हो नहीं रही, और ये वृक्ष देखिए इसकी शाखाएं इस प्रकार से, आपने आम वगैरह का पेड़ वगैरह देखा होगा इस प्रकार से, और फिर इनकी पत्तियां हो जाती हैं इस प्रकार से। तो ये क्या करते हैं, और इनकी जड़ें यहां पर चली गई, देखिए अब यहां पर देखिए ये ग्राउंड वाटर है, ये हमने दिखाया क्या, तो ये है आपको ग्राउंड वाटर, भूमिगत जल। ये भूमिगत जल पुनर्भरण कैसे होगा, इसका भूमिगत जल का पुनर्भरण कैसे होगा, वर्षा के जल के द्वारा, वर्षा के जल के द्वारा। अब चार माह बारिश हो रही है, बाकी टाइम बारिश हो ही नहीं रही, तो ये वृक्ष को पता है कि भैया बारिश हो गई, जल नीचे इकट्ठा है, अब बारिश नहीं होगी। और वृक्षों में पत्तियां बहुत अधिक है, वृक्षों में पत्तियां अधिक है, चौड़ी पत्तियां हैं, ठीक। कंसेप्ट को समझिएगा जरा सा कि यहां पर क्या स्थिति है, तो चौड़ी पत्तियां हैं। अब चौड़ी पत्तियां हैं तो इनसे क्या होगा, अधिक ट्रांसपिरेशन, जिसको हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन, जिनको हम लोग कहते हैं वाष्पोत्सर्जन। क्यों? क्योंकि सूर्य इस भाग में चमकता तेज है, ये जो रीजन है ये ट्रॉपिकल रीजन है, और ट्रॉपिकल रीजन में टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है, वर्षा की मात्रा कम है यहां पर, तो टेम्परेचर तो हाई साल भर बना हुआ है। अगर हम लोग विंटर सीजन को छोड़ देते हैं 3 महीने की स्थिति को, तो बाकी सालों भर यहां पर तापमान उच्च होता है, तो तापमान अधिक होगा तो ट्रांसपिरेशन भी क्या होगा, अधिक होगा। तापमान अधिक तो वाष्पोत्सर्जन भी अधिक, अरे हाँ कि ना। और जब ये ज्यादा वाष्पोत्सर्जन करेगा, वाष्पीकरण प्लस उत्सर्जन इसका होता है, ध्यान रखिएगा, वाष्पीकरण प्लस उत्सर्जन, तो ये ज्यादा मात्रा में ग्राउंड लेवल का यूज कर लेगा। अब ग्राउंड लेवल का यूज कर लेगा तो ग्राउंड वाटर क्या हो जाएगा, नीचा। अगर ज्यादा पत्तियां रह गई, ज्यादा मात्रा में ग्राउंड वाटर का यूज कर लिया, तो ग्राउंड वाटर नीचे हो जाएगा और नमी की मात्रा इसको पहुंच नहीं पाएगी, फिर ये सूख कर मर सकता है। अरे हाँ कि ना, बताओ जरा सा, नमी की मात्रा अगर नहीं पहुंचेगी इसको तो ये पेड़ सूख कर मर सकता है, तो इसलिए दे सेट देयर लिप्स, ये क्या कर रहे हैं यहां पर, अपने पत्तियों को गिरा देंगे, ये क्या करते हैं, पत्तियों को गिरा देते हैं, और यही कहलाता है पर्णपाती, पतझर, पत्तियों का झरना, और पर्ण मतलब पत्ते और पाती मतलब गिरना, पत्तों का गिरना। ये वृक्ष की विशेषता है कि ये वृक्ष अपने पत्तों को गिरा देते हैं। अगर हम लोग विशेषता की बात करें, वर्ष में एक बार यह अपने पतझड़ में, पतझड़ की हम लोग बात करें, वर्ष में एक बार पतझड़ में यह अपने पत्ते को गिरा देते हैं, गिरा देते हैं। इतना गिरा देगा तो पूरा के पूरा वृक्ष में एक भी पत्ता भी देखने को नहीं मिलता,
और ये भी मैं सोचिएगा कि एक बार में ऐसे करके सब गिरा देगा, थोड़ा 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 गिराते गिराते पूरी तरह से सारे पत्ते एक वृक्ष से समाप्त हो जाएंगे। और फिर आता है बसंत का समय, जब बसंत आएगा तो इनमें नए पत्ते नए फूल खिलने शुरू हो जाएंगे, नए पत्ते नए फूल खिलने शुरू हो जाएंगे बसंत काल में। तो दो तीन मिनट टाइम तो निकाल दिया ना इसने, अरे हाँ कि ना, धीरे 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 करके सोचिए जरा सब, बहुत स्मार्ट वृक्ष है ये आपके क्षेत्र में ही। आप सब जितने भी नॉर्थ बेल्ट के बच्चे हैं सभी के घरों के आसपास में यही वृक्ष आपको देखने को मिलता है, पतझड़ वन, पर्णपाती वन, नीम, शीशम, महुआ, सागवान, बरगद, पीपल, जो भी आप जानते हैं, आम, ठीक है। तो ये इसकी विशेषता है, ये ध्यान रखिएगा जो हम लोगों ने अभी चर्चा की हम कि क्यों अपने पत्तियों को गिरा देते हैं, क्योंकि ग्राउंड वाटर नीचे ना हो जाए और ये वृक्ष सूख कर मर जाए। अब पत्ते गिर गए तो वृक्ष तो बच गया ना, क्योंकि छाल से भी उत्सर्जन हो सकता है, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट आपको ध्यान रखिए। और वर्षा के द्वारा जल पुनर्भरण होता है बेसिकली, और वर्षा ही होती है चार महीने। आइए नेक्स्ट, नेक्स्ट हम लोग आएंगे, ये तो विशेषता होगी, ये भी कठोर लकड़ी के वृक्ष है, मिश्रित प्रजाति के वृक्ष है। अब इनके वृक्षों के प्रकार को देखिए जरा सा, वृक्षों के प्रकार को हम लोग यहां पर देखते हैं, जिसमें आप देखेंगे आम, नीम, शीशम, महुआ, शीशम इसमें भी आ जाता है, ऐसे ये सदाबहार में भी रख लेते हैं हम लोग, रोजवुड, देन साल, सागौन, बरगद, पीपल, महुआ, मतलब जो भी नाम आपके क्षेत्र में मिलते हैं सब लिख रख लिए। बरगद को हम लोग बैनियन ट्री कहते हैं, सागौन को टी कूट कहते हैं, बहुत ही सागौन का फर्नीचर में यूज होता है, रेलवे में, ये भी ध्यान रखिएगा। तो ये सब वृक्षों के प्रकार हैं। भारत के क्षेत्र कौन से हो जाएंगे, भारत के क्षेत्र कौन से हो जाएंगे, अच्छा हाँ, यहां पर मैं इसके दो डिवीजन भी कर दूं, इनके प्रकार भी दो डिवीजन होंगे। पहला देखिएगा, जहां पर 150 से 200 सेंटीमीटर बारिश होगी और जहां 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश होगी, तो होना क्या है यहां पर देखिए जरा सा, जहां 100 से 150 सेंटीमीटर बारिश है वो कहलाता है शुष्क पर्णपाती, ये है आर्द्र पर्णपाती, इसको हम लोग ह्यूमिड डिसीडियस कहते हैं, और ये ड्राई डिसीडियस कहलाता है। भारत में सर्वाधिक जो वृक्ष पाए जाते हैं वो आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, भारत में सर्वाधिक आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है, भारत में सर्वाधिक आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। क्लियर पॉइंट यहां तक सभी को, अरे हां कि ना बताइए, यहां तक क्लियर है, अरे हां कि ना। अब पूरे अगर हम लोग भारत की बात करें कहां पर मिलेगा, तो फुल नॉर्थ एंड मिडिल इंडिया, नॉर्थ एंड मिडिल इंडिया, इसके साथ अंडमान एंड निकोबार, ये भी लिख के रख लीजिए, इसके साथ कहां मिलेगा तो अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, अंडमान और निकोबार भी मिलेगा, इसको राइट डाउन कीजिए तेजी से जरा सा सभी लोग।
इसको राइट डाउन कर लीजिए। सो आइए, ये हमने देखा अभी डिसीडियस फॉरेस्ट के बारे में, ये था आपका डिसीडियस फॉरेस्ट। और अब हम लोग मूव करेंगे कोणधारी वन की तरफ। नेक्स्ट वन जो आएगा आपका कोणधारी वन, शंकुधारी वन, शीतोष्ण वन, इसी सब में आपके एक सीरीज बनेंगे कौन से, अल्पाइन वन। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका कॉनिफोरस फॉरेस्ट, टेम्परेट और अल्पाइन फॉरेस्ट। इन वनों की अगर हम लोग चर्चा करें, इन भागों में तापमान की क्या स्थिति है और वर्षा की क्या स्थिति है, इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। सबसे पहले तो यह तापमान हो चुका है कम और वर्षा की मात्रा होती है 100 से 150 सेंटीमीटर, 100 से 150 सेंटीमीटर। इसमें भी अगर हम लोग चर्चा करें तो शीतोष्ण सदाबहार वन हो जाते हैं और शीतोष्ण पर्णपाती वन हो जाते हैं, यह भी चीज ध्यान रखिएगा। यहां भी अगर हम लोग इसकी चर्चा करना चाहें तो शीतोष्ण सदाबहार एंड शीतोष्ण पर्णपाती। अब आप कहेंगे यहां पर ऐसे कंसेप्ट कैसे आ गए, तो जो तटीय क्षेत्रों के पास में, ध्यान रखिए, जैसे कि ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट हो गया, मान लीजिए यहां हमने दिखाया कौन सा ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट, ब्रिटिश तुल्य जलवायु। इन भागों में वर्ष भर वर्षा होती है, इन भागों में वर्ष भर वर्षा होती है, तो यहां पर क्या पाया जाएगा, शीतोष्ण सदाबहार वन। और वही अगर महाद्वीपों के आंतरिक भागों में चले जाएंगे, महाद्वीपों के आंतरिक भाग में अगर हम लोग चले जाएंगे तो यह हो जाएगा शीतोष्ण पर्णपाती वन। तो कोणधारी वन के भी हम लोग इस प्रकार से भी डिवीजन दिखाते हैं, सदाबहार और पर्णपाती। ठीक है, तापमान यहां पर जो होता है कम, वर्षा की मात्रा भी हो जाती है कम, लेकिन तापमान के कम होने और वर्षा की मात्रा 100 से 150 सेंटीमीटर होना भी बहुत ज्यादा अच्छा सुटेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर देता है। अब ये जो क्षेत्र जो होते हैं, मैं बताना चाहूंगा इनकी विशेषताओं को, देखिए ये जो वृक्ष जो होते हैं इस प्रकार से, देखिए इन वृक्षों के बारे में मैं आपको चर्चा करूं तो ये आपको इस प्रकार के वृक्ष देखने को मिलेंगे। देखिए ये जितने भी वृक्ष आप जो देख रहे हैं, ये सारे वृक्ष लगता है जैसे कि प्लांटेशन किया गया हुआ है, इनकी बागानी की गई है, एक संरचना के आधार पर इनकी बुआई की गई हुई है और इनमें एक समान गैप पाया जा रहा है। ठीक है, इनमें एक समान गैप पाया जा रहा है, ऐसी संरचना होती है। एक समान ऊंचाई के वृक्ष होते हैं, अगर 80 फीट की ऊंचाई है और ये अगर सीडर है, देवदार है जो कि अधिक ऊंचाई पर पाया जाएगा, देवदार का वृक्ष जो होता है थोड़ा ऊंचाई उसकी अधिक होती है, ठीक है, और अधिक ऊंचाई पर पाया भी जाता है, तो सारे वृक्ष 80 फीट के होंगे, एक बराबर ऊंचाई के वृक्ष होंगे। तो ये जो वृक्ष जो होते हैं ये एकल प्रजाति के वृक्ष हैं,
ये जो वृक्ष जो आप दिखा रहे हैं ये एकल प्रजाति के वृक्ष है, सिंगल टाइप ट्रीज है, ठीक है। ये डेंस फॉरेस्ट नहीं, इनमें एक समान गैप पाया जा रहा है, एकल प्रजाति के वृक्ष, और ये सॉफ्ट वुड होते हैं। ये कैसे लकड़ी के वृक्ष है, तो मुलायम लकड़ी के वृक्ष है, क्लियर पॉइंट। ये कैसा वृक्ष है, तो मुलायम लकड़ी का वृक्ष है। इन वृक्षों की ऊंचाई अधिक होती है, यह भी आप ध्यान में रखिएगा, और इन वृक्षों का उपयोग जो है यह भी ध्यान दीजिएगा जरा सा, बेटर यूटिलाइजेशन इन टिम्बर एंड पल्प इंडस्ट्री, हिंदी इसका हो जाएगा कास्ट एवं लुगदी उद्योग में अधिक उपयोगी, कास्ट एवं लुगदी उद्योग में अधिक उपयोगी, क्यों, इनको काटना और गलाना आसान है, काटना एवं गलाना आसान है। ऊपर से एक हेलीकॉप्टर आएगा, एक मशीन नीचे गिराएगा, मशीन यहां पर फिट होगी, इसको काट लिया, उठा करके ले जाएगा, और एक बार में पूरे के पूरे पत्ते हट जाएंगे, इसकी शाखाएं हट जाएंगी, वितान हट जाएगा, रेडी हो गया, और उसके फिर टुकड़े करके काम हो गया, इतना तेजी से। और अपने यहां आम का पेड़ है, चार ठो मजदूर आएंगे, लगा रहेगा चार दिन तक उसको काटने में, तब भी उसे कटते नहीं आराम से, चार दिन आम का पेड़ काटने में लगा देंगे, क्या कीजिएगा, सब मोह माया है। यहां तक क्लियर हो रहा है, जरा सा बताइए तेजी से कमेंट करके, यहां तक क्लियर हो रहा है। दूसरी चीज कि ये जो रीजन जो होते हैं इन भागों में बर्फबारी होती है, स्नोफॉल होता है, तो ये जो इनकी जो शाखाएं है वो इस प्रकार से देखने को मिलती है, जो शाखाएं होती है वो इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है, देखिए थोड़ी नीचे की ओर झुकी हुई, क्यों झुकी हुई होती है, ताकि एक्सेस अमाउंट ऑफ अगर स्नोफॉल इस पर गिरे तो ये स्नो नीचे की ओर गिर जाए, बर्फ नीचे गिर जाएगा, एक्सेस अमाउंट ऑफ, अगर यहां पर आम का पेड़ लगा दिए तो उसकी शाखाएं चौड़ी है, उस पर बर्फ जमते 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 वो पेड़ ही को तोड़ देगा, गेटिंग अ पॉइंट, चीजों को समझ जाना, हर एक चीज के कंसेप्ट समझने, सिर्फ दो चार पॉइंट रटना थोड़ी ना, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया सबको। तो ये हमने अभी चर्चा किया किसके बारे में, शीतोष्णकटिबंधीय वनों की विशेषताओं के बारे में। अब यही जो वृक्ष होते हैं, कुछ और विशेषता देखिए, ये आपके सामने वृक्ष आ गए और इनमें इस प्रकार से कट मार्क आपको दिख जाएगा, और यहां पर लगाया गया हुआ होता है एक इस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट, देखिए, और इसमें क्या जमा हो रहा है, तो इससे रिस्क कर, यहां पर रिस्क के पूरा का पूरा आपको गोंद, लैटेक्स वगैरह जो होते हैं ना, ये सब यहां पर जमा होते रहते हैं, ठीक है, जैसे चिकिल का पेड़, हाँ, चिकिल वगैरह जो निकलते हैं इससे, आप ऐसे पेड़ अगर आप चीड़ के पेड़ में जाएंगे, चीड़ का पेड़ की अगर बात करें, पाइन ट्री की अगर हम लोग बात करें, तो पाइन ट्री से इस प्रकार से गोंद निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा, पाइन जिसको हम लोग चीड़ का पेड़ कहते हैं, चीड़ के पेड़ से इस प्रकार से क्या निकलेगा आपको, गोंद निकलेगा, यह भी विशेषता आपको देखने को मिल जाएगी, कभी आप जाइए एक बार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में रानीखेत चले जाइए, उससे ऊपर चले जाइए, कसौली चले जाइए, आपको देखने को मिलेगा, हिमाचल प्रदेश में चले जाइए, शिमला चले जाइए, उससे ऊपर चले जाइए, नारकोंडा वगैरह में, जबरदस्त दिखाई देगा आपको इस प्रकार समझना।
तो ये सब विशेषताएं हैं जिनसे इनके ये सब चीजें प्राप्त होती हैं। क्लियर पॉइंट सबको यहां तक? नेक्स्ट आइए, अब इन वृक्षों के प्रकार को हम लोग देखते हैं। इन वृक्षों के प्रकार को यहां पर हम लोग देखते हैं। देखिए यहां पर सबसे पहले हमने नाम लिख दिया क्या, पाइन ट्री, पाइन, चीर, सीडर, देवदार, बर्च, ओक, जूनीपर, देन आप देखिए तो रेडवुड। रेडवुड वृक्ष जो होते हैं सर्वाधिक ऊंचाई के होते हैं, रेडवुड, मैपल, स्प्रूस, ये सब इसी प्रकार के पौधे आपके सामने में होते हैं। अगर अल्पाइन वृक्षों की बात करें तो ओक, बर्च, ठीक है, देवदार भी मिल जाएगा अल्पाइन में, स्प्रूस मिल जाएगा अल्पाइन में आपको, जो अधिक ऊंचाई पर होते हैं ये सब वृक्ष, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब वृक्षों के प्रकार है, शीतोष्ण कटिबंधीय वृक्षों के। भारत में कहां पाया जाएगा? तो भारत में कहां पाया जाएगा भैया, हिमालय पर पाया जाएगा, और कहां पाया जाएगा? और इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ जो वृक्ष हो जाएंगे वो नीलगिरी, अन्नामलाई, क्योंकि ऊंचाई बढ़ चुकी है, अन्नामलाई, पालनी पर भी देखने को मिल जाएंगे आपको, इन तीनों हिल्स पर भी देखने को मिल जाएंगे। तो एक तो ये हिमालय मिलेगा, ठीक है, कुछ जगहों पे पूर्वांचल की पहाड़ियों में देखने को मिल जाएगा ये, ईस्टर्न हिल्स में देखने को मिल जाएगा, और इन सब में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये अभी हमने जाना किसके बारे में, शीतोष्ण कटिबंधीय वनों के बारे में आपको मैंने अभी बताया है। क्लियर पॉइंट यहां तक सभी को? शीतोष्ण कटिबंधीय वन। आई नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट जो आपके सामने में आएगा वो रहेगा मैंग्रोव वन, ठीक है, मैंग्रोव वन देखने को मिलेगा। अब आप कहेंगे मैंग्रोव वन कौन से होते हैं, तो यही मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है इसी को हम लोग कहते हैं डेल्टाई फॉरेस्ट, इसी को हम लोग कहते हैं टाइडल फॉरेस्ट, यही डेल्टाई वन है और यही ज्वारीय वन भी है, इसे गरान वन भी कहा जाता है, इसे गरान वन भी कहा जाता है, इट इज कॉल्ड गरान फॉरेस्ट। क्लियर पॉइंट, ये मैंग्रोव वनों की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अब देखिए इन वृक्षों को, ये जो वृक्ष जो होते हैं इनकी जो जड़ें हैं, इनकी जो जड़ें जो आप दिखा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस प्रकार से, ये विशेषताएं क्या है इसकी, कि इसकी जो कुछ जो जड़ें हैं देखिए, कुछ जो जड़ें हैं वो तो आपको सॉइल में है, ये सॉइल का भाग है, ये पूरा का पूरा सॉइल हमने दिखा दिया,
कुछ जो जड़े हैं वो वाटर में है और कुछ जो जड़े हैं वो एयर में है। और ये रही वृक्ष। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये रही वृक्ष, ये ऐसा। तो ये मैंग्रोव वन जो मैंने आपको यहां पर दिखाया, इसकी विशेषता है कि ये जो इसकी रूट है इसको हम लोग कहते हैं स्टिल्ट रूट, और इसकी जड़ें मृदा में है, जल में है, वायु में है। स्पेशल फीचर है ये, ध्यान दीजिएगा, एकदम स्पेशल। मैंग्रोव वन कहां पर मिलेंगे? तो जहां पर जल का जमाव होता है, जो ब्रैकिश रीजन होते हैं। अगर मैं आपको बताना चाहूं, ब्रैकिश वाटर रीजन में, हल्के खारे जल में, हल्के खारे जल के क्षेत्र में, रीजन कौन सा? वाटर लॉगिंग एरियाज, जल के जमाव वाले क्षेत्र ध्यान में रखिएगा, स्पेशल है। सभी लोग विशेष रूप से ध्यान दीजिए जरा सा। मैंग्रोव वन जो होते हैं, यही गरान वन है, यही डेल्टाई वन है, यही ज्वारीय वन है, इसी को हम लोग कच्छ वनस्पति भी कहते हैं। यही आपका क्या बन जाएगा? कच्छ वनस्पति भी बन जाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। इसी को हम लोग कच्छ फॉरेस्ट भी कहते हैं। ठीक है, मैंग्रोव वन ही कच्छ वनस्पतियां है, यही डेल्टाई है, यही टाइडल है, यही गरान है, सब एक ही है, बाकी सब मोहमाया है। ठीक है, इसकी विशेषता ध्यान में रखिए, कहां मिलेगा? जहां नदियां सागर से आकर मिलती है, कच्छ के रण में, वो भी रीजन ऐसा ही है, मतलब हल्का साल्टी वाटर होगा। अब पॉइंट यहां पर है कि ये वृक्ष कौन सा? तो ये वृक्ष हो गई सुंदरी का वृक्ष। वृक्ष का नाम कौन सा हो गया? सुंदरी वृक्ष, सुंदरी ट्री हो गई। और इसी के नाम पर सुंदर वन का डेल्टा भी रखा गया हुआ। अगर मैं बताना चाहूं तो सुंदर वन का डेल्टा भी इसी के नाम पर है। अच्छा हाँ, एक चीज और, अभी जो हम लोग ने लिखा इनके बारे में, तो भारत में चूंकि ये पर्वतों पर पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, शीतोष्ण वन जो है भारत में पर्वतों पर पाए जाते हैं, तो इनको हम लोग पर्वतीय वन में लेते हैं। ठीक है, और भी कई जगहों पर ये पर्वतीय वन भी होते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। एक पॉइंट देखिए, ध्यान आया, माउंटेन फॉरेस्ट हम लोग इसको कहते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट हम लोग इसको कहते हैं। क्लियर पॉइंट, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर से आइए मैंग्रोव वन पे, ये स्क्रीनशॉट भी लेकर आप सब लोग रख सकते हैं कि जो इसकी जड़े जो है, ये जड़े सॉइल में भी है, जड़े वाटर में भी है, और जड़े एयर में भी है, तीनों जगह होती है। अब इसकी विशेषता देखिए कि जब कभी भी, देखिए जरा सब, अगर ये वृक्ष यहां पर है इस प्रकार से, ठीक, अब जब कभी भी मान लीजिए कि ज्वार आएगा, हाँ ये तो रीजन हो गया इसका, और ये ऊपर की ओर इसका जलीय भाग भी हो गया। देखिए, तो जब कभी भी ज्वार आएगा इस प्रकार से, ज्वार भाटा आपने नाम सुना होगा, ज्वार आ जाए, चक्रवात आ जाए,
तो अधिक मात्रा में जल, अधिक मात्रा में जल तटीय क्षेत्रों की ओर गति करता है, तटीय क्षेत्रों की ओर गति करता है। अब जब ज्यादा तेज गति से यह जल जब मूव करेगा, कब? टाइड और साइक्लोन के समय, टाइड और साइक्लोन के समय। तो ज्यादा तेज गति से जब मूव करेगा तो क्या होगा भैया? तो स्थिति यह बनेगी कि अगर यहां पर आम का पेड़ हो तो वो उखड़ जाएगा, लेकिन यहां पर जल जो है इस प्रकार से मूव कर गया। देखिए, ये जल इस प्रकार से आपको मूव कर गया, तो ये वृक्ष वहां पर मृदा संरक्षण का काम करते हैं, ध्यान रखिएगा। ये वृक्ष जो है ये मृदा संरक्षण से काम करते हैं, तो ये भी लिख के रखना है आपको, मैंग्रोव वन मृदा संरक्षण का कार्य करते हैं। तटीय पारिस्थितिकी में इनका एक विशेष महत्वपूर्ण रोल आपको देखने को मिल रहा है, तटीय पारिस्थितिकी में, कोस्टल इकोलॉजिकल रीजन की अगर हम चर्चा करें तो लिख के रख लीजिएगा, ये वृक्ष चक्रवात एवं उच्च ज्वार के समय मृदा अपरदन से संरक्षण प्रदान करते हैं। ये वृक्ष चक्रवात एवं उच्च ज्वार के समय मृदा अपरदन से संरक्षण प्रदान करते हैं। दीज ट्रीज प्रोटेक्ट्स फ्रॉम सॉइल इरोजन एट द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ टाइड एंड साइक्लोन। ठीक है, टाइड एंड साइक्लोन क्लियर रहेगा पॉइंट यहां तक? मेरे हिसाब से क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। मैंग्रोव वन को एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चूंकि जैसे कि एग्जांपल देख लीजिए यहां पर कहां कहां पाए जाएंगे, इसको दिखाता हूं, एरिया भारत में एरिया कहां पर हो जाएगा, तो नदी जहां पर सागर से मिलती, इसी के नाम पर सुंदरबन का डेल्टा है ना, सुंदरी वृक्ष के नाम पर, डेल्टाई प्रदेशों में मिल जाएगा ये, कहां पर मिलेगा? डेल्टाई प्रदेशों में मिल जाएगा और कच्छ के रण में मिल जाएगा, कच्छ का रण में भी आपको मिल जाएगा। तो रण ऑफ कच्छ, सुंदरबन का डेल्टा, तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जहां पर सुंदरी वृक्ष पाई जाती है, अभी हमने चर्चा किया था सुंदरबन के डेल्टा में कौन सी वृक्ष पाई जाती है, तो सुंदरी वृक्ष पाई जाती है। ठीक, और भी नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में, गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, महानदी हो गया, कावेरी हो गया, वैगई है, पेन्नार है, उन सारे जगहों पर आपको यह देखने को मिल जाएगा। क्लियर पॉइंट यहां तक सभी को? कच्छ के वनस्पति भी इसी में आपको लेना है। नेक्स्ट आइए जरा सा, नेक्स्ट जो आपके सामने में आ रहा है वो है शुष्क वनस्पति। शुष्क वनस्पति, मरुस्थलीय वनस्पति, और मरुस्थलीय वन भी कर सकते हैं, ड्राई और डेजर्ट फॉरेस्ट। ड्राई और डेजर्ट फॉरेस्ट हो जाएगा, क्लियर पॉइंट? ड्राई और डेजर्ट फॉरेस्ट हो जाएगा। इन भागों में तापमान तो हाई होता है मगर वर्षा की मात्रा क्या हो जाती है, तो कम। वर्षा की मात्रा कम हो जाती है दो प्रकार से, देखिए। पहला जो आप देखाएंगे 50 से 75 सेंटीमीटर, दूसरा जो आप देखाएंगे 25 से 50 सेंटीमीटर, क्योंकि 25 सेंटीमीटर से कम होगा तो फिर तो झाड़ी भी देखने को नहीं मिलेगा वहां। ठीक है, इसी को आप थॉर्नी श्रब्स भी लिखते हैं, थॉर्नी बुशेस, थॉर्नी श्रब्स, यही सब हो जाए, कटीली झाड़ियां। ठीक है, 50 से 75 सेंटीमीटर है, ये हो जाएगा एरिड,
शुष्क और सॉरी सेमी एरिड, अर्ध शुष्क, और 25 से 50 वाला टोटली हो जाएगा क्या, शुष्क और एरिड। तो मरुस्थलीय वनस्पति को भी हम लोग शुष्क और अर्ध शुष्क में विभाजन कर रहे हैं यहां पे, ठीक है, शुष्क और अर्ध शुष्क में हम लोग विभाजन कर रहे हैं, यह भी ध्यान रखिएगा। इन वृक्षों की क्या विशेषता है कि ये जो वृक्ष है इनकी ऊंचाई कम और इनकी जड़ें जो है जड़ों की गहराई अधिक, जड़ों की गहराई अधिक। ये मांसलदार होते हैं, पल्पी होते हैं, ठीक है, ये मांसलदार पल्पी आपके सामने में होंगे, ये कांटेदार होते हैं, कांटे पाए जाते हैं इसमें, ऊंचाई इनकी कम क्यों होगी, क्योंकि इस भाग में तापमान अधिक होता है, तापमान हाई है और वर्षा रिलेटिवली कम है। अब पॉइंट यहां पर बनता है कि ये जो वृक्ष है इनके जड़ों की गहराई अधिक क्यों हो जाती, इनके जड़ों की गहराई अधिक क्यों हो जाती है, ये भी आपको बताना है। तो नमी की खोज में, नमी या जल की खोज में, खोज में वृक्ष अपने जड़ों की गहराई को बढ़ाते हैं, ठीक है, ये अपने जड़ों की गहराई को क्या करते हैं, तो बढ़ाते हैं। यहां तक क्लियर हो रहा है सबको? इन वृक्षों में स्पाइक स्पाइक्स पाए जाएंगे, आपको कांटे देखने को मिलेंगे, पल्पी हो जाएगा, मांसलदार हो जाता है, पत्ते नहीं होते या फिर बहुत कम होते हैं, पत्ते बहुत कम। अब कम होंगे तभी तो वाष्पीकरण कम होगा, वाष्पोत्सर्जन कम होगा, अगर वाष्पोत्सर्जन अधिक हो गया तो जो भी है वो भी तो खत्म हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन कम होते। क्लियर हो रहा है पॉइंट पे जो भी बताना चाह रहा हूं? अब जो देखिए कि भारत में एरिया कौन सा हो जाएगा, तो भारत में ये वृक्ष जो पाए जाते हैं राजस्थान में मिलेंगे और कुछ आपको गुजरात में मिलेंगे, ठीक है, राजस्थान और गुजरात में मिलेंगे। अगर वृक्षों के प्रकार की हम लोग अगर चर्चा करें तो वृक्षों के प्रकार को जरा सा देखते हैं, यहां पर अकेसिया, खेजरी, बबूल, कीकर, कैक्टस, ये सारे वृक्ष आपने नाम सुने होंगे। आजकल तो लोग कैक्टस के पौधा घर में लगा के रखते हैं, पहले उसको देखने के लिए राजस्थान जाना पड़ता था, अब सुबह शाम देखिए अच्छा लग रहा है आपको, ठीक है। तो ये सब वृक्षों के प्रकार है जो मोस्टली अकेसिया से क्वेश्चन यहां पर पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी ध्यान में रखिएगा। एंड द लास्ट लास्ट जो इसमें हम लोग देख रहे हैं एक वृक्ष जो वो रहेगा टैगा वन, भी देखिए चर्चा हुई थी, टैगा वन कुछ और नहीं, ये समशीतोष्ण वन ही है, यह केवल उत्तरी गोलार्ध में, यह केवल उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं,
एरिया जो इसका हो जाता है 60 डिग्री से और 60 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, केवल और केवल नॉर्थ हेमिस्फेयर में यह पाया जाएगा। समशीतोष्ण प्रकार का वन है, टैगा वन। रूस, साइबेरिया रूस में इसे वन वही होंगे, वही मैपल, वही स्प्रूस, वही ओक बर्च यहां पाए जाएंगे। साइबेरिया में और साइबेरिया रूस कर लीजिए, रूस में इसे बोरियल वन कहते हैं। भारत में कहां पाया जाएगा तो हिमालय, भारत में हिमालय पर पाया जाता है। एक चीज ध्यान रखिएगा कि साउथ में क्यों नहीं पाया जाएगा, तो साउथ में 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के बाद तो लैंड एरिया है ही नहीं, सिर्फ ओशियन ही ओशियन यहां पर आपके सामने में, और 55 डिग्री अर्जेंटीना वाला चिली के बाद तो कुछ है ही नहीं, तो इसलिए तो 60-70 डिग्री पर मिलना है ना, तो ये तो मिलेगा ही नहीं ऑब्वियसली। तो टैगा वन केवल और केवल उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं, इसका स्पेशलिटी है, इसे बोरियल वन कहते हैं, इसकी स्पेशलिटी है। भारत में कहां पर मिलेगा तो हिमालय में पाया जाएगा 60-70 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ये है कैसा, तो समशीतोष्ण वन होते हैं। तो यही इतने वन के प्रकार आपको मैंने अभी दिखाए हैं यहां पर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग घास स्थल को लेकर चलेंगे। 25, 26, 27 तीनों दिन की जो पावर पैक क्लासेज है ये विदाउट कमेंट आपको अवेलेबल करवाई जा रही है। कंटेंट पर आपको फोकस करने की यहां पर बेसिकली जरूरत है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में और फिर आप लोगों से मुलाकात होती है।